दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube के चैनल में। मैंने एक लास्ट वीडियो अपलोड किया था टूरिस्ट व्हीकल के बारे में। काफ़ी व्यूवर्स ने मुझे एक ही सवाल पूछा है कि सर ये टी परमिट कार टैक्सी कार हम लोग प्राइवेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने YouTube पर सर्च किया लेकिन कहीं पर भी मुझे एक भी वीडियो नहीं मिला कि टी परमिट हम लोग कैसे प्राइवेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कुछ RTO के साइट पर गया तो वहाँ पर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। उसके बाद RTO में गए, वहाँ पर मुलाकात करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिली वही इन्फॉर्मेशन मैं अभी आप लोगों को इस वीडियो में दे रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग टैक्सी परमिट को प्राइवेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है पवन कारपेंटे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए। दोस्तों बहुत से लोगों के सवाल है कि इसका खर्चा कितना आता है और इसकी प्रोसेस क्या होती है। हर स्टेट की अलग अलग प्रोसेस है और खर्चा कितना आता है उस पर भी हम लोग आगे चल के बात करने वाले हैं। अगर हम लोग महाराष्ट्र स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र में कम से कम 3 साल आपके परमिट को कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही आप उसे प्राइवेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदर स्टेट में 2 साल है, कई 3 साल है, ऐसे हर स्टेट का अलग अलग रूल्स है। दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है परमिट, उसे ही कैंसिल करके सरेंडर करना होता है RTO को। अब ये परमिट क्या है वो डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उसे ध्यान से देखिए। दोस्तों आप ये जो डॉक्यूमेंट देख रहे हैं ये परमिट सर्टिफिकेट, यहाँ फॉर्म का नाम होता है, उसके बाद ये गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। 2016 को ये गाड़ी ली है इसलिए 5 साल अगर उसमें हम लोग जोड़ दें तो ये है 16 से 5 साल हम लोग जोड़ दें तो 2021 डेट ऑफ एक्सपायरी। दोस्तों यही वो चीज़ है परमिट डॉक्यूमेंट जिसको हमें कैंसिल करके RTO को सरेंडर करना होता है। इसके साथ आपको RTO को एक अप्लीकेशन देनी होती है, रीज़न ऑफ कैंसलेशन, आप क्यों कैंसिल कर रहे हो परमिट। उसके बाद फॉर्म ACC आता है, ACC का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, अप्लीकेशन ऑफ क्लियरेंस सर्टिफिकेट, यानी अगर आप पर कोई ड्यू है या रोड टैक्स पेंडिंग है, प्रोफेशनल टैक्स पेंडिंग है, ऑथराइजेशन पेंडिंग है, तो वो आपको सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा। ये हो गया ACC। अब ये ACC फॉर्म को लगने वाले इसको जो डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ और वो सारे डॉक्यूमेंट का जेरोक्स कॉपी आपको इसको जोड़ना है। सबसे पहले आपके कार की RC, उसके बाद वैलिड इंश्योरेंस, उसके बाद फिटनेस सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका ID, एड्रेस प्रूफ और गाड़ी के जो कोई भी डॉक्यूमेंट आपको दिए गए होंगे जब आपने कार ली है, तब ये सारे डॉक्यूमेंट आपको उसके साथ जोड़ना है। दोस्तों एक बार आपका परमिट कैंसिल हो गया तो फिर आप उसको बाद में री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब ये री रजिस्ट्रेशन क्या है, री रजिस्ट्रेशन यानी ही आपकी परमिट गाड़ी टैक्सी गाड़ी आप प्राइवेट में उसे कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें और एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, अगर आपकी गाड़ी फाइनेंस है किसी बैंक से तो उसका भी NOC लगेगा, वो NOC भी आपको इसके साथ जोड़ना है। अब दोस्तों बात करते हैं री रजिस्ट्रेशन का, उसको लगने वाले डॉक्यूमेंट और कौन से फॉर्म लगते हैं उस पर हम लोग अभी बात करते हैं और चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले फॉर्म नंबर 20, ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद फॉर्म नंबर 35, उसके बाद NOC, ID, एड्रेस प्रूफ, 2 फोटो, इतने सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको लगेंगे। अभी फॉर्म नंबर 20 क्या है, फॉर्म नंबर 20 का ही मीनिंग है री रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके बाद फॉर्म नंबर 35 क्या है, फॉर्म नंबर 35 यानी NOC, अगर आपके गाड़ी पर बैंक फाइनेंस है तो रिमूव HP यानी हाइपोथिकेशन, वो हो गया फॉर्म नंबर 35। इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है। आपने जब कार ली है तब आपको एक और डॉक्यूमेंट लगता है दोस्तों, वो डॉक्यूमेंट आपको दिया जाता है शोरूम से, वो होता है इनवॉइस लेटर, वो आपको साथ में रखना है दोस्तों, वो भी डॉक्यूमेंट आपको काम में आने वाला है री रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ये हो गए लगने वाले डॉक्यूमेंट। अब इसका खर्चा क्या होता है, जब आप परमिट को कैंसिल करते हो तो बहुत हो गया 1000 रुपये के ऊपर खर्चा लगता नहीं है, 1000 रुपये मैक्सिमम इसका खर्चा है RTO का परमिट कैंसिल करने के लिए। अब अगर आपके कार को 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आपको टैक्स कितने साल का देना है, क्योंकि हम लोग कोई भी प्राइवेट कार की बात करें तो 15 साल का टैक्स होता है दोस्तों। अब 3 साल का परमिट तो होने के बाद हमने उसे कैंसिल करके सरेंडर कर दिया RTO को, तो 15 में से 3 साल आप लोग डिडक्ट कर लीजिए, बचे 12 साल। आपको सिर्फ 12 साल का ही टैक्स पे करना है। जब आप 12 साल का टैक्स पे करोगे
तभी आपकी गाड़ी री रजिस्ट्रेशन यानी प्राइवेट में कन्वर्ट होगी। अब इसमें एक और बात, अगर हर स्टेट के अलग अलग रूल्स हैं, कोई स्टेट में क्या होता है दोस्तों, वही नंबर आप लोगों को कैरी फॉरवर्ड करके दिया जाता है, या फिर नंबर की सीरीज चेंज करके आपको दूसरा नंबर अलॉट किया जाता है। तो ये था नंबर को लेकर, डॉक्यूमेंट को लेकर, और ये 15 साल का कितना खर्चा आता है वो। अब हर स्टेट का टैक्स अलग अलग होता है और कार का टैक्स अलग होता है। जैसे अगर कोई भी हम लोग एक स्विफ्ट की बात करें तो तकरीबन 15 साल का टैक्स उन लोगों का 70,000 से 80,000 ऐसा लगभग जाता है। तो हर कार का अलग अलग टैक्स रहेगा और 3 साल निकल के 12 साल का आपको टैक्स एक साथ पे करना है। इस तरीके से आप अपनी गाड़ी री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो दोस्तों। मैंने जो लास्ट वीडियो कवर किया था व्हाट इज़ रोड टैक्स, उस वीडियो में सबसे ज़्यादा मुझे कमेंट्स और क्वेश्चंस व्यूवर्स ने यही किया है कि हम लोग परमिट कार को प्राइवेट करने की आप एक बार एक वीडियो बनाओ या फिर उसकी प्रोसेस हम लोगों को समझाओ। और एक्चुअली बहुत से लोग जिन्होंने ओला या उबर में गाड़ी लगा चुके हैं या फिर कोई सरकारी ऑफिस में गाड़ी लगा चुके और अब वो प्राइवेट करना चाहते हैं, तो उन लोगों को ये प्रोसेस पता ही नहीं, इवन मुझे भी नहीं पता था। तो वो लोग चाहते हैं कि हमारी दोस्तों इस तरीके से आप अपनी कमर्शियल कार यानी टैक्सी कार को प्राइवेट कन्वर्ट कर सकते हो री रजिस्ट्रेशन के थ्रू। ये था पूरा प्रोसेस दोस्तों। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, कितना पसंद आया, मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। और मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। इसे सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।